सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इंडियाज बेस्ट यूट्यूब चैनल फॉर आईटी जेई केमिस्ट्री एडवांस्ड एंड हियर आई एम विद पार्ट 17 ऑफ अवर इनऑर्गेनिक रिएक्शन सीरीज। फिलहाल हमारा जो फोकस चल रहा है वो थोड़ा सा ब्लॉक केमिस्ट्री की तरफ चल रहा है, और पिछली वीडियो में हमने टिन और लेड के ऑक्साइड्स डिस्कस किए थे। थोड़ा सा ब्लर हो गया था वीडियो, सॉरी फॉर दैट, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि मैं कुछ खड़े होकर अगर पढ़ा रहा हूँ तो आपके लिए ज़रूरी है और आप उसको आंख बंद करके फॉलो करो। मैं फिर रिकमेंड करूँगा रियल जेई एडवांस सीरीज़ की पूरी वीडियोज़ अच्छे से करो। इनऑर्गेनिक में आपने अगर सब कर लिया है, आपको नहीं समझ आ रहा है मैं कैसे रिवाइज़ करूँ, आप इन वीडियोज़ को देखो जो अभी 17 पार्ट तक आया है। इनको आप देखो, आपको बहुत अच्छा रिविज़न मिलेगा उन चीज़ों का जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जब एग्ज़ाम के बाद मैं वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं ये बताऊँ कि देखो 28 अगस्त एडवांस पेपर 2 में ये वाला क्वेश्चन देखो हमारे इस पार्ट से था, ये वाला इस पार्ट से था, और आपको वो देख के पछतावा हो। मैं ये नहीं चाहता। फॉर दैट रीज़न आप अच्छे से फॉलो करो, हर रिएक्शन को अच्छे से लिख लिख के बढ़िया से याद करो, हर कंसेप्ट को अच्छे से सीखो। जो भी कंसेप्ट बता रहे हैं, छोटे से छोटा कंसेप्ट बता रहे हैं, आप पूरी चीज़ों को थॉरोली फॉलो करो। आप पक्का आपकी रैंक जो होगी या मार्क्स जो होगा वो बूस्ट होगा पक्का, ठीक है? मैं ये तो नहीं बोल रहा कि पूरा सिलेबस मैंने करा दिया है, ऑब्वियसली नहीं कराया हुआ है, बट आपको एक बूस्ट देने के लिए है ना, क्योंकि सिलेबस कराने के लिए तो बहुत लोग हैं और आपने खुद भी सिलेबस किया हुआ है, बट अपन अभी क्या करें, बूस्ट देना है यार, बूस्ट देना है, क्योंकि अच्छे बच्चों को ज़्यादा लोग पकड़ के नहीं चलते। बाकी सब लोग किसको पकड़ के चलते हैं, जो ऐसे ही अभी तक कुछ नहीं पढ़े, चलो आओ ये करा लेते हैं। हमारी टारगेट ऑडियंस वो नहीं है, हम अच्छे बच्चों को पकड़ के चल रहे हैं जिनको ज़्यादा लोग नहीं देखते। क्यों? क्योंकि उनकी संख्या कम है, हमें संख्या से मतलब नहीं है, ठीक है? तो क्वालिटी चीज़ें कर रहे हैं अपन, और आज फिर पूरे फोकस के साथ चालू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चलो शुरू करते हैं मैंगनेट एंड परमैंगनेट आयंस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिपरेशन की। बहुत अच्छे से देखना वीडियोस को, रिएक्शन को लिख लिख के याद करना। आपने एक दो बार लिखा भी हुआ होगा, फिर भी एक बार लिखो, अच्छे से याद रहता है उससे। सबसे पहले प्रिपरेशन में थोड़ा देखो क्या हो रहा है। पाइरोल्यूसाइट लिया जाता है, सभी को पता है, बहुत ही फेमस रिएक्शंस हैं। पाइरोल्यूसाइट लिया जाता है, और अभी ना अपन KMnO4 का इस वीडियो में बहुत ज़्यादा उसकी बॉन्डिंग वॉन्डिंग पे बात नहीं करेंगे, वो वाला पोर्शन नहीं करेंगे, अपन सिर्फ रिएक्शंस को लेके करेंगे, है ना? बॉन्डिंग वगैरह, टेट्राहेड्रल है, D3S हाइब्रिडाइजेशन है, फिर कलर जो आ रहा है वो ना चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा से आ रहा है वगैरह वगैरह, वो कंसेप्चुअल जो पोर्शंस हैं वो आपने पढ़ा हुआ है। अपन सिर्फ रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, रिएक्शंस जो कि समय समय पे दिमाग से निकल जाता है ना? आप D3S हाइब्रिडाइजेशन इन MnO4- आप कभी नहीं भूलोगे, समझ रहे हो? लेकिन रिएक्शंस ऐसी चीज़ है जो निकल जाती है दिमाग से। तो अभी जो मेजर फोकस है वो यहाँ पे है हमारा। MnO2 पाइरोल्यूसाइड को सॉलिड फॉर्म में लीजिए और KOH NaOH के साथ ट्रीट करो, ये भी सॉलिड फॉर्म में है, और इसको क्या है, फ्यूज करा जा रहा है, बिल्कुल हाई टेम्परेचर पे फ्यूज करा जा रहा है, और साथ में थोड़े बहुत ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स भी आप ले सकते हो लाइक KNO3 KClO3। तो क्या होगा, देखो ग्रीन मेल्ट बन जाता है मैंगनेट आयन का। यस, दिस इज मैंगनेट आयन MnO4 2- मैंगनेट आयन का ग्रीन मेल्ट बन जाता है, बहुत गर्म होता है ये, तो इसलिए इसमें थोड़ा ठंडा पानी डालते हैं और लिटिल एल्कली, थोड़ा एल्कली डालना ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो मैंगनेट आयन है वो 12-13 के pH के आसपास ही स्टेबल रह पाता है। अगर उसमें आप पानी डाल के थोड़ा न्यूट्रलाइज करोगे वो तुरंत ख़त्म हो जाता है, दूसरी चीज़ों में कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट होता है, आगे पढ़ने वाले भी रिएक्शन में। तो ग्रीन मेल्ट है, अभी समझो मेल्ट है, उसके बाद उसमें पानी डाला तो ग्रीन सोल्यूशन है। अभी भी सोल्यूशन बहुत ज़्यादा बेसिक है, बिकॉज KOH NaOH को आपने फ्यूज्ड स्टेट में यूज़ किया है, आप समझ सकते हो उसकी शक्ति कितनी ज़्यादा होगी। इसके बाद ग्रीन सोल्यूशन में क्या है, इस ग्रीन सोल्यूशन में MnO4 2- ही है, और मीडियम काफ़ी बेसिक है। अब क्या करा जा रहा है, इसको इवेपरेट करा जा रहा है। इसको इवेपरेट करेंगे तो क्रिस्टल्स निकल के आएंगे, किसके, K2MnO4 के या फिर Na2MnO4 के। अच्छा ये क्या है, अगर शुरू में KOH यूज किया होता तो K2MnO4, शुरू में NaOH यूज किया होता तो Na2MnO4 हाइड्रेटेड होता है 10 मॉलिक्यूल्स के साथ, आइसोमॉर्फस है सोडियम सल्फेट और पोटेशियम सल्फेट के साथ। आइसोमॉर्फस मतलब आपको पता होगा क्या है, वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स में सिमिलैरिटी है, दैट इज आइसोमॉर्फिज्म। अभी ये आइसोमॉर्फिज्म डिस्कस करना हमारा वो उद्देश्य नहीं है, आप ये देखें। तो क्या पोटेशियम परमैंगनेट बन गया, नहीं नहीं अभी तो मैंगनेट बना है,
समझ पा रहे हो ना क्या किया, पाइरोल्यूसाइट लिया, KOH NaOH डाला, फ्यूज किया, गर्मा गर्म मेल्ट निकाला, परमैंगनेट नहीं मैग्नेट आयन का, ग्रीन कलर का मेल्ट है, स्टेबल है, हाईली बेसिक कंडीशंस में पानी डाला ठंडा, और हल्का एल्कली डालना जरूरी है, क्योंकि ऐसा ना हो जाए ना कि पानी पानी डल जाए, पीएच जो है वो कम हो जाए, बेसिक मीडियम मेंटेन करके रखना है। साथ ही साथ ग्रीन सॉल्यूशन आया, इवेपोरेट कराओ, क्रिस्टल्स आ गए आपके पोटेशियम मैग्नेट और सोडियम मैग्नेट, जो कि हाइड्रेटेड फॉर्म में आता है। अब हाइड्रेटेड फॉर्म में आ रहा है वो तो बस आ रहा है हाइड्रेटेड फॉर्म में, वो आप ऐसा देख सकते हो कि Na+ प्रेफरेंशियली ज़्यादा टेंडेंसी शो करता है हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल्स को चिपकाने का। कैसे, वो पोलराइजिंग पावर वावर से एक्सप्लेन होता है सब, बॉन्डिंग वॉन्डिंग में बच्चे पढ़ लेते हैं वो सब। आगे बढ़ते हैं, अब आए, अच्छा अभी तो KMnO4 नहीं बना, हाँ नहीं बना, अभी अपन ने मैग्नेट बनाया है। आगे देखिए कहानी, ये देखो मैग्नेट बनाने का एक और रिएक्शन, और मैं मार्क करूंगा इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन मार्क करूंगा इसको, कि पोटेशियम पर मैग्नेट को अगर आप बॉइल करते हो बेस के साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ अगर आप उसको बॉइल करते हो लाइक KOH, तो KMnO4 ऑक्सीडाइज कर देता है ऑक्सीजन को, ऑक्साइड को ऑक्सीडाइज कर देता है, ऑक्सीजन गैस निकाल देता है। बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ऑक्सीजन निकलती है इस रिएक्शन में, दिस पॉइंट इज ऑल्सो टू बी नोटेड, इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड यस, KMnO4 +7 से +6 में मैंगनेट में आ जा रहा है, मैंगनेट में आ रहा है, एंड यस सोल्यूशन इज बेसिक इनफ टू कीप दिस मैंगनेट मेंटेन्ड ओवर देयर। अच्छा, तो मैंगनेट बनाने का एक और तरीका, अभी भी पर मैंगनेट नहीं बनाया हमने, मैंगनेट बनाने के तरीके देखे, अब क्या कर रहे हैं, अच्छा मैंगनेट है आपके पास देखो +6 वाला, उसमें पानी डाल दो। मैंने पहले ही बोला अगर आपने उसका बेसिक मीडियम अल्टर कर दिया तो पर मैंगनेट में कन्वर्ट हो जाता है, एक तरह का डिसप्रोपोर्शनेशन कर ले रहा है। देखो इट डिसप्रोपोर्शनेट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एकदम जो रेलिवेंट रिएक्शन से वही लेके आ रहा हूँ मैं, नहीं तो KMnO4 पे तो दो दो घंटे की क्लासेस हो सकती हैं रिएक्शंस पे, बट जो एकदम क्रक्स पार्ट है, जो एकदम इंपॉर्टेंट पोर्शन है, बस उसी पे बात कर रहे हैं। K2MnO4 +6 क्या कर रहा है, डिसप्रपोर्शनेट हो जा रहा है +7, एंड ये डार्क ब्राउन प्रेसिपिटेट, यस वेरी वेल, पता सबको पता ही है, ये अपना हाइड्रोजन परऑक्साइड के डिकम्पोजिशन को भी कैटलाइज करता है MnO2, याद रखना। +7 पर्पल कलर्ड सोल्यूशन, यस KMnO4 यहाँ बन चुका है। अब इस रिएक्शन में एक दिक्कत आती है कि बहुत सारा जो आपका मैंगनेट है वो MnO2 में वेस्ट हो रहा है, समझ आ रहा है, बहुत सारा जो मैंगनेट है वो MnO2 में वेस्ट हो जा रहा है, तो क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि डायरेक्ट इसकी ऑक्सीडेशन हो और पूरी तरह से ये ऑक्सीडाइज हो के, क्योंकि ना यहाँ डिसप्रपोर्शनेट हो रहा है, तो आपका इसका कुछ पोर्शन ना आपका खराब हो रहा है MnO2 बनाने में, हमारा जो टारगेट है वो KMnO4 बनाने का है, तो क्यों ना इसको पकड़ के क्लोरीन के साथ ऑक्सीडाइज कराया जाए, क्लोरीन इसको ऑक्सीडाइज कर सकता है, जी बिल्कुल कर सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लोरीन इसको ऑक्सीडाइज कर सकता है, +6 से +7 में जाएगा और ये क्लोराइड आपको मिल जाएगा, KMnO4 क्लोराइड आपको मिल जाएगा, दिस इज द रिएक्शन। अच्छा, ओजोन के साथ भी कर सकते हैं, इसमें क्या मजा आया, इसमें मजा ये आया कि जो वेस्टेज हो रही थी वो नहीं होगी, आप ओजोन के साथ भी रिएक्शन कराइए, ओजोन भी इसको ऑक्सीडाइज करेगा, +6 से +7 पे लेके जाएगा, एंड ओजोन ऑब्वियसली रिड्यूस होके ऑक्सीजन दे देगा। अब आ जाए एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, अब यहां पे थोड़ा सा आपको बेसिक सी बात है पता होगी, MnO4- ऑक्सीडेशन करता है, अगर मीडियम एसिडिक है तो Mn+2 में कन्वर्ट होता है, यस, अगर मीडियम वीकली एल्कलाइन है या फिर न्यूट्रल है, तो इस तरह का अगर मीडियम है, न्यूट्रल के आसपास मीडियम है, तो ये प्रेफरेबली MnO2 में कन्वर्ट होता है, और अगर स्ट्रॉन्गली बेसिक मीडियम है, अगर ये स्ट्रॉन्गली बेसिक मीडियम है तो ये MnO4- दैट इज मैंगनेट में कन्वर्ट होता है। इसके पीछे लॉजिक पूछते हैं बच्चे, अब इसके पीछे लॉजिक मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से बता सकता हूँ, इसके पीछे जो लॉजिक है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से है, कि अगर हम हाफ सेल्स बनाएं और पीएच वैल्यूज देखें, तो सोचो थोड़ा, अभी लिख नहीं रहे अपन कुछ, अगर हम हाफ सेल्स बनाएं, रेडॉक्स हाफ सेल्स बनाएं और फिजिबिलिटी देखें रिएक्शंस की अलग अलग पीएच में, तो इस रिएक्शन की फिजिबिलिटी सबसे ज्यादा आएगी, थर्मोडायनेमिक फिजिबिलिटी,
ये लॉजिक है इसके पीछे। ऑल दो उससे अपने को कुछ करना नहीं है, क्योंकि ऑल दो फिर से वो फिजिबिलिटी वो कैसे आएगी, तो फिजिबिलिटी अगेन वो अपना रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स है, तो वैल्यू तो याद ही रखनी पड़ेगी। तो आपको ये याद रखना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है? आप इसको याद रखो, आसान सी चीज़ है, याद रहती है यार, कोई बड़ी चीज़ नहीं, ये याद रहता है। बस थोड़ा सा लॉजिक बता रहा हूँ मैं, अगर अपन रेडॉक्स हाफ सेल्स बनाएंगे तो इनकी फिजिबिलिटी अलग अलग पीएच में इस रिएक्शन की, इस रिएक्शन की, इस रिएक्शन की कुछ इस तरह से रहेगी ज़्यादा। अच्छा तो चलो फटाफट से ऑक्सीडेशन रिएक्शंस देखते हैं, ये सबको पता ही रहता है, याद रहता है, इसमें कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी बात करेंगे। अच्छा, सल्फाइड अगर आ रहा है H2S से तो सल्फर में सेटल डाउन होता है, ठीक है? सल्फाइट है या फिर सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास करा रहे हो, सल्फेट डीकलराइज होगा अपना, पर्पल सॉल्यूशन, पर्पल सॉल्यूशन सभी में डीकलराइज हो रहा है, पर्पल सॉल्यूशन डीकलराइज हो रहा है सभी में। अच्छा और क्या हो रहा है, अब देखो Fe+2 ऑक्सीडाइजेस टू Fe+3, आसान रिएक्शन। आयोडाइड ऑक्सीडाइजेस टू आयोडीन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन, क्योंकि बेसिक मीडियम में थोड़ा उलट हो जाता है, वो आयोडेट में चला जाता है ना, IO3-2 में, सॉरी IO3-1 में, बेसिक मीडियम में आएंगे, उस पर भी आएंगे, पहले इन रिएक्शंस को फटाफट से देख लो एक बार। और आ जाओ नाइट्राइट, सबको पता है नाइट्रेट में गया, ऑक्सलेट सबको पता है कार्बन डाइऑक्साइड में गया, थोड़ा बहुत H2CO3 भी बन सकता है, लेकिन रिवर्सिबल होगा, इसका डिकम्पोजिशन हो जाता है H2CO3 H+ एंड बाइकार्बोनेट और जो भी वगैरह वगैरह, इसकी इक्विलिब्रियम होती है, आप CO2 के फॉर्म में निकाल दो, कोई टेंशन नहीं। इसके बाद आ जाओ इधर क्लोराइड में क्या खासियत है लिखा हुआ, देखो क्लोराइड फ्रॉम सॉल्ट नो रिएक्शन, सॉल्ट मतलब, बोलने का मतलब इसका ये होगा कि क्लोराइड फ्रॉम सॉलिड स्टेट, अगर आप सॉलिड क्लोराइड लेके आ रहे हो, जैसे अपन क्रोमिल क्लोराइड में करते हैं, सॉलिड क्लोराइड लेके आते हैं और पोटेशियम डाइक्रोमेट डालते हैं विथ अ बिट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जस्ट टू वेट द मिक्सचर, तो क्रोमिल क्लोराइड के अपने को रेड वेपर्स मिलते हैं। तो वैसा कुछ क्लोराइड लेके आएंगे अगर अपन, सॉल्ट मतलब सॉलिड वाला क्लोराइड, और उसमें जब अपन रिएक्शन करा रहे होंगे KMnO4 के साथ, तो अपने को नो रिएक्शन मिल रहा है, नहीं करता उसको ऑक्सीडाइज, ध्यान रखें। कंसंट्रेटेड HCl अगर आपके पास है, हाँ ऑब्वियसली कंसंट्रेटेड HCl अगर आपके पास है ऑक्सीडाइज हो जाता है, क्लोरीन गैस रिलीज हो जाती है। हाइड्रोजन परऑक्साइड, ऑब्वियसली हाइड्रोजन परऑक्साइड ऑक्सीजन छोड़ देगा, ये भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा। MnO4- की जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो H2O2 से ज़्यादा है, और ये ऑक्सीजन निकल जाएगा। तो ये सब सिंपल रिएक्शंस हैं इसमें। चलो बेसिक मीडियम में देखते हैं कुछ इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे कुछ रिएक्शंस इसमें, और मैं अपनी तरफ से भी ऐड करूँगा। देखो सबसे पहली बात बता दूँ, जब ऐसा क्वेश्चन में स्ट्रांगली लिखा हो कि स्ट्रांग बेसिक मीडियम, ऐसा कुछ ऐसा हिंट दिया हो, तभी आप मैंगनेट में करके छोड़िएगा, अदरवाइज मैंगनेट पानी के साथ रिएक्ट करके MnO2 बना लेता है और सेटल डाउन हो जाता है अलॉन्ग विथ नेसेंट ऑक्सीजन छोड़ रहा होता है। नेसेंट ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज, आप देखिए रिएक्शन पर मैंगनेट बेस के साथ, अगर एकदम स्ट्रॉन्ग सा बेस है सिर्फ, वहां पे पानी का नामो निशान नहीं है, तब MnO4-2 दैट इज मैंगनेट। और हाँ अगर पानी मिल गया, थोड़ा डाइल्यूट टाइप कंडीशन है, देन यू विल गेट अल्टीमेटली MnO2। जनरली जो रिएक्शन हम देखते हैं MnO2 बना के ही छोड़ा जाता है, उतना स्ट्रांगली बेसिक मीडियम में ऑक्सीडेशन रिडक्शन कम ही किया जाता है। बट क्वेश्चन में अगर मेंशन है इस तरह का कुछ लैंग्वेज, तो आप वो भी कर सकते हैं। अच्छा क्या क्या रिएक्शंस यहाँ पे लिखे गए हैं, ध्यान से थोड़ा देखना। KMnO4 I- स्टार मार्क कर लेना इस रिएक्शन में, I- IO3- में जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब इधर देखो फॉर्मेट है, फॉर्मेट किस में जाएगा यार, कार्बन डाइऑक्साइड में जाएगा, फिर वो वही फर वही अपना करेगा क्या, H2O के साथ कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक एसिड, फिर वो अपनी इक्विलिब्रियम वगैरह सेट करेगा, HCO3- थोड़ा बहुत डिकम्पोज होगा CO2 के फॉर्म में वगैरह वगैरह। तो देख लो KHCO3- K2CO3 एंड वाटर अलॉन्ग विथ लिबरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यू कैन से, देन KMnO4 H2O2, H2O2 को बेसिक मीडियम हो, एसिडिक मीडियम हो, कुछ भी हो, KMnO4 ऑक्सीडाइज करके छोड़ेगा, ऑक्सीजन निकाल लेगा। ध्यान रखना, कभी कभी एग्जाम में कन्फ्यूजन आ जाता है कि ऑक्सीजन निकलेगा या नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा KMnO4, एसिडिक हो बेसिक हो कुछ भी हो। मैं इसमें एक रिएक्शन अपनी तरफ से ऐड करना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, पता नहीं यहाँ लिखा हुआ क्यों नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट वो रिएक्शन है KMnO4 का अमोनिया के साथ। जी हाँ,
KMnO4 का अब बैलेंस अपने से कर लेना, ठीक है। KMnO4 का रिएक्शन अमोनिया के साथ अत्यंत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, समझ में आ रहा होगा क्या होगा आपको। अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको ऑक्सीडाइज करेगा, नाइट्रोजन बना देगा, इसे नाइट्रोजन बनाएगा। और जी हाँ, अमोनिया वीक या माइल्ड तरह का बेस है, पीएच 9-10 के आसपास रहता है, तो क्या बनेगा, KMnO4 वीकली अल्कलाइन है सोल्यूशन, MnO2 में जाएगा, MnO2 एंड वगैरह वगैरह, वो तो सब पता ही आपको, बैलेंस कर लेना उसको। काफ़ी एक्सप्लोजिव है ये रिएक्शन, काफ़ी एक्सप्लोजिव है। अमोनियम के सॉल्ट्स भी अगर आप लेते हो तो यही रिएक्शन देखने को मिलता है। एक्सप्लोजिव हो ही क्यों ना, नाइट्रोजन बन रहा है, नाइट्रोजन बॉन्ड एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है। नाइट्रोजन जहां भी बने आपको एक शक होना चाहिए कि हो सकता है यहां एक्सप्लोजन हो जाए। कोई एक आधा एग्जाम्पल याद आ रहा है? जी हाँ, अमोनियम नाइट्रेट को हीट करते हो, नाइट्रस ऑक्साइड बनता है, जिसको फर्दर और हीट करो तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जैसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है। इफ यू रिमेंबर, अमोनियम नाइट्रेट ऑन माइल्ड हीटिंग गिव N2O लाफिंग गैस, विच ऑन फर्दर हीटिंग अप टू 700-800 डिग्री सेल्सियस इट गिव्स N2 एंड O2। और दोनों बड़े स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, काइनेटिक्स भी बढ़िया है रिएक्शन की, तेज होता है, तो तेज हो रहा है और बहुत सारी एनर्जी निकल रही है, पक्का एक्सप्लोजिव होगा रिएक्शन, ध्यान रखें इस बात को। आगे बढ़ते हैं, KMnO4 न्यूट्रल वीकली एसिडिक मीडियम में Mn+2 के साथ एक रिएक्शन बताया जा रहा है, कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट बोल सकता हूं उसको मैं, कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा कभी कभी कंफ्यूजन आता है इसमें कि ये +7 है और ये +2 है, +7 है +2 है, तो क्या ये MnO4 2- में जा सकता है? लेकिन नहीं यार, ये तो बेसिक मीडियम में, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में ही सर्वाइव करता है, तो ये +4 पे जाएगा, MnO2 ही बनेगा विदाउट एनी डाउट, ठीक है। MnO2 कम प्रोपोर्शनेशन है, आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि ये Mn2+ को ऑक्सीडाइज कर रहा है, आप इस नज़र से भी देख सकते हो, ऑल्दो एक कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। अच्छा, यहाँ पे Zn2+ और Zno भी लिख दिया हुआ है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी बता दे रहे हैं। इसके प्रेजेंस में कराया जाता है रिएक्शन, होता क्या है कि इसके बिना ये थोड़ा सा ना ऑक्सीडेशन को थोड़ा और ज़्यादा प्रेफर करा रहा है, ऐसा बोल सकते हो आप, या फिर ऑक्सीडेशन को थोड़ा सपोर्ट कर रहा है, आप ऐसा बोल सकते हो। जब नॉर्मली इस रिएक्शन को कराया जाता है ना, तो बहुत सारा Mn+2 पार्शियली ऑक्सीडाइज होता है, बोल सकता हूँ ऑक्सीडेशन को एस्केप कर जाता है बाय फॉर्मिंग Mn+2 MnO3 2-, तो इसका मतलब ये +4 स्टेट में, आप देखिए पार्शियली ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसको मैं बोल सकता हूं मैंगनस पर मैंगनेट, इसको मैं बोल सकता हूं मैंगनस पर मैंगनेट, ये कुछ ऐसा बना लेता है और ये सेटल हो जाता है, इनसॉल्युबल है ये, जहां तक हाँ इनसॉल्युबल है, तो ये इनसॉल्युबल ऐसा कुछ है, ये बना के एस्केप हो जाता है। फिर ये देखा गया, ऑब्वियसली हिट एंड ट्रायल से मिला है ये रिएजेंट अपने को, जो ऑक्सीजन सपोर्टर है, Zn2+ और Zno। अब इतना घुस के तो मेरे को नहीं लगता पूछेगा जेई, बट अगर ऐसा पूछ लिया कि इस कम प्रपो, क्योंकि कम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन ये बहुत ही फेमस है, अगर ये पूछ लिया कि इसमें ऑक्सीजन सपोर्ट करने के लिए, ऑक्सीडेशन सपोर्ट करने के लिए कौन सा एनायन या कैटायन यूज हो रहा है, फिर इस कैटायन से कुछ क्वेश्चन वेस्चन अगर बना दे रहा है, तो आप थोड़ा ध्यान रख लो Zn2+ यूज होता है। सो अगला है हाइपो, वेरी इंपॉर्टेंट, S2O3 2-, क्या खास है इसमें, स्टार मार्क कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये रिएक्शन वीकली एसिडिक मीडियम में हो रहा है, ये रिएक्शन वीकली एसिडिक मीडियम में हो रहा है। अगर आपको याद होगा कि ये जो अपना हाइपो है, थायोसल्फेट आयन, इसका डाइल्यूट HCl के साथ एक टेस्ट था, क्या था वो, जब अपन डाइल्यूट HCl में इसको डालते हैं ना, क्वालिटेटिव से बता रहा हूँ, शुरू का प्री टेस्ट ही है, प्रेसिपिटेशन वगैरह से पहले का टेस्ट है ये, है ना। डाइल्यूट HCl अगर आप इसमें डालते हो तो यू गेट दिस थायोसल्फेट डिसप्रोपोर्शनेटेड इनटू सल्फर एंड सल्फाइट आयन, इसमें कन्वर्ट हो जाता है ये, और जब इसको अपन हीट बीट करते हैं तो बर्निंग स्मेल ऑफ सल्फर आती है, और शुरुआत में वाइट टर्बिडिटी, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, प्री टेस्ट है अपना S2O3 2- के लिए, और ये बर्निंग स्मेल ऑफ सल्फर बिकॉज ऑफ योर SO2 गैस का रिमूवल।
तो कुछ उसी तरह से ये रिएक्शन वीकली एसिडिक मीडियम में हो रहा है, ये आपको मानना पड़ेगा। और वीकली एसिडिक मीडियम में आप मुझे बताओ जो S2O32- है वो तो कन्वर्ट हो चुका है सल्फर और SO32-, फिर ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा सल्फेट में। ये देखो ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो गया सल्फेट में और साथ ही साथ रिड्यूस हो गया का सल्फर, ये आपको सल्फर इधर मिल रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन KMnO4 के साथ। अब ये MnO2 में कन्वर्ट हुआ बिकॉज वीकली एसिडिक मीडियम काइंड ऑफ न्यूट्रल यू कैन से, उस मीडियम में ये रिएक्शन हो रहा है। मैं आपको एक बात और बता दूं कि जब हम S2O32- याद रखना, जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लेकर आते हैं जनरली रिएक्शन एसिडिक मीडियम में इसका कराया जाता है तो वो सल्फर और सल्फेट में डिस्प्रपोर्शनेट होता है। और अगर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लेकर आ रहे हैं लाइक आयोडीन, जैसा आप आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन कराते हो तो ये जो अपना थायोसल्फेट है ये टेट्राथायोनेट S4O6- में कन्वर्ट होता है। मैं स्ट्रक्चर्स वगैरह की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, वो सब आपको आता होगा आई गेस, और वो ऐसी चीज़ें हैं जो भूल ही नहीं जाती, वो याद रहती है। स्ट्रक्चर्स वगैरह देख लेना आप साथ ही साथ इसका। अब आ जाओ एक हीटिंग रिएक्शन है, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, काइंड ऑफ हीटिंग रिएक्शन ऑफ KMnO4। अब यहाँ पे थोड़ा फिजिकल स्टेट्स पे थोड़ा गौर करना। KMnO4 को हम क्या कर रहे हैं, एकदम ऐसे ही ऑलमोस्ट ब्लैक कलर का क्रिस्टल रहता है इसका, अगर आप सॉलिडिफाइड फॉर्म में इसको ले रहे हो, हम बोलने को पर्पल है बट ऑलमोस्ट ब्लैक दिखता है अगर ढंग से देखा जाए तो। इसको हीट करा जा रहा है 200 डिग्री में, ऑक्सीजन दे देगा पहली बात तो, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन निकल जाएगा जब KMnO4 को हीट कर रहे हैं। साथ में और क्या हो रहा है, आपको ग्रीन और ब्लैक दिख रहा है तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि कैसे ग्रीन और ब्लैक, कैसे क्या अलग अलग ऐसा ग्रीन ब्लैक ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, एक्चुअली वो ब्लैक ही जैसा रहेगा। आप हीट कर रहे हो उसके बाद आप उसको क्या करो, पानी डाल दो उसमें या फिर उसको पानी में डाल दो और पानी में डाल के फिल्टर ऑफ करो। तो जब आप पानी को फिल्टर करोगे, पानी डाला आपने उस रेसिड्यू में, पानी डालने के बाद फिल्टर करोगे तो MnO2 जो होगा वो सेटल डाउन रहेगा एज ब्लैक PPT, और ये जो K2MnO4 है, यू वेरी वेल नो कि ये सॉल्युबल है, ग्रीन कलर का सॉल्यूशन ये देगा, ग्रीन सॉल्यूशन आपको K2MnO4 दे रहा होगा, ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो अब और कुछ रिएक्शंस बचे हैं क्या, ना। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा KMnO4 रिवाइज करने में, मैंने अपने तरफ से पूरी एनर्जी के साथ की ये कोशिश। तो रिक्वेस्ट ये रहेगा वीडियोस को शेयर करो यार, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि एडवांस के लिए एक्चुअल कंटेंट लाके दे रहा हूँ, मेरे को भी मोटिवेशन तभी आएगा जब मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस जुड़ेगी। और आप सोच भी नहीं सकते मैं ऐसी ऐसी चीज़ें आपके साथ करूँगा अगर मेरे पास अच्छी ऑडियंस होगी तो, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हम करेंगे साथ में मिलके, ठीक है। एडवांस रिलेटेड, ओनली एडवांस रिलेटेड चीज़ें अपन लेके आएंगे आपके लिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।